Hey guys, welcome to another video of Fox Android. तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में बॉटम नेविगेशन बार को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका फ्रंट एंड बैक एंड कोड, यूआई और जावा कोड दोनों देखेंगे हम। तो बेसिकली सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बॉटम नेविगेशन बार को कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ तीन चार मेन एक्टिविटीज़ हैं या फ्रेगमेंट्स हैं जिन पर आपको टास्क एग्जीक्यूट करवाना है, तो देर यू कैन यूज बॉटम नेविगेशन बार, क्योंकि स्विचिंग बहुत ईजी हो जाती है आपके यूजर को, बहुत इजीली ही कैन स्विच बिटवीन द फ्रेगमेंट्स और द एक्टिविटीज। तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही हैंडी रहता है एंड इट गिव्स अ गुड लुक टू योर एप्लीकेशन। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बॉटम नेविगेशन बार को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी अपडेट आ जाए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, ड्रॉएबल में जाएंगे, ड्रॉएबल में जाके हम नए वेक्टर एसेट ऐड करेंगे। तो मैं क्विकली ऐड करता हूँ, द फर्स्ट वन विल बी फेवरेट। The second one will be music. The third one will be places. I'll just name it as icon 3, finish, and the last one is profile. Okay, so this one, person, and I'll name it as icon 4, right? So यहाँ पे हमने सारे icons add कर लिए हैं। इसके बाद आपको अपने menu के folder में जाना है, इस पे right click करना है, मैन्यू रिसोर्स फाइल, एंड विल नेम इट एज बॉटम नेविगेशन बार, राइट, बॉटम नेव बार, प्रेस ओके। ओके, तो यहाँ पे हम स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे, विल एड फोर आइटम्स, गिव इट आईडी ऑफ पेज वन, set enabled as true, will define icon as icon 1, and will give it a title of favorites, right, favorites, and will just close this. जल्दी से मैं इसको copy कर लेता हूँ to save the time. Okay, we have made it 4. Change the IDs, I'll name it as page 2, page 3 and page 4. जल्दी से यहाँ पे icon change कर देते हैं, icon 2, icon 3 and icon 4, and we'll name it as, the second one is I guess music, the third one is place, and the fourth one is profile, right? Okay, तो यहाँ पे हमने items add कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी activity में जाएंगे जहाँ पे हमें bottom navigation bar को implement करना है। So I'll go to layout, bottom nav, okay, यहाँ पे मैंने ये activity में यहाँ पे हम implement करेंगे। So I'll type bottom nav view, right? And we'll set the width as match parent and the height as wrap content. We'll give it an ID of bottom navigation.
using n instead of m. Okay, so we'll give an elevation of 8 dB. We'll give a background tint of white. Yeah, looking perfect. So then we will make it to align parent bottom. Where is it? Okay, here it is. Then we'll set the menu bottom nav bar. Okay, perfect. It's looking perfectly fine. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको zoom करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा बॉटम नेविगेशन बार आ गया है, राइट? फेवरेट्स, म्यूजिक, प्लेस एंड प्रोफाइल. तो फ्रंट एंड का काम यहाँ पे खत्म हो गया, आई गेस. तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे ड्रॉबल में सबसे पहले वेक्टर एसेट ऐड किए, उसके बाद यहाँ पे नेव बार में चार आइटम्स को ऐड किया बॉटम नेव बार में, राइट? उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी में आए जहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है. वहाँ पे हमने नेविगेशन बॉटम व्यू ऐड किया और इसके जो एट्रीब्यूट्स हमको सेट कर दिया. सो दैट इज इट फॉर द फ्रंट एंड. अब चलते हैं बैक एंड की तरफ. तो बैक एंड में क्या करेंगे हम, बॉटम नेविगेशन व्यू. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ. बॉटम नेविगेशन व्यू, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, राइट? सो विल टाइप बॉटम नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id.id. बॉटम नेविगेशन. We'll set a on click listener. Bottom navigation view dot set on navigation item select listener. New on item select listener. We'll apply the if statement. Item dot get item id is equal to hot dot id dot पेज वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोबारा से. ओके, इस पेज वन ओनली. इफ इट इज पेज वन देन डू दिस. सो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको जब कोई उस आइकन को, पेज वन वाले आइकन को क्लिक करेगा, उस क्लिक के इवेंट पे आपको क्या करवाना है, उसका कोड आप यहाँ पे लिखोगे. सो राइट नाउ आई विल रेज अ टोस्ट. Bottom nav dot this. So the first icon is favorites. So favorites is clicked. Right. We'll set the length as length long and show. So जल्दी से मैं इसको copy कर लेता हूँ and I'll make it for all the four of them. Else if, right? So if it is, the id is equal to page 2, do this. If id is equal to page 3, do this. Id is equal to page 4, then we have to do this. The second one was, I guess, music. The third one is places. And the fourth one is profile, right? सो दैट इज इट. हमने बैक एंड कोड भी लिख लिया है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑन आइटम सेलेक्ट लिसनर को अटैच कर दिया है वाटर नेविगेशन व्यू के साथ. उसके बाद यहाँ पे हम जो आइटम हमें आर्ग्यूमेंट्स में मिल रहा है उसकी आईडी चेक कर रहे हैं, उसकी आईडी को कंपेयर कर रहे हैं. दैट इफ इट इज इक्वल टू पेज वन देन वी हैव मेड अ टोस्ट फॉर दिस. और सिमिलरली अगर आपका सेकेंड आइकन क्लिक होता है तो उसका कोड आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे मैंने ये टोस्ट रेज किया, और उसी तरह से थर्ड का यहाँ पे और फोर्थ का यहाँ पे. तो आई गेस वी आर गुड टू गो. तो इसको मैं जल्दी से मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसी रन हो रही है, राइट? तो गाइज, अगर वीडियो समझ लग रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो. ऐसे क्या है, वीडियो का रीच बढ़ता है. आप जैसे डेवलपर्स हैं आज जो ये ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचती है, तो इट विल हेल्प देम एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो, बिकॉज मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी. सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन.
ओके गाइस, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है. ओके, सो यू कैन सी द एप्लीकेशन हियर. यहाँ पे हमारा जो फेवरेट्स है वो सिलेक्टेड है. नाउ आई विल सिलेक्ट द सेकंड आइकन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक इज क्लिक्ड, पॉप अप हो गया है, राइट. ओके, देयर इज सम इशू आई गेस. ओके गाइस, एक और चेंज है. यहाँ पे जब मैंने ऐप को इंस्टॉल किया तो आइकन का कलर चेंज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स की जगह रिटर्न ट्रू करेंगे. अब दोबारा से मैं ऐप को इंस्टॉल करता हूँ. ओके, ऐप इंस्टॉल हो गया है. लेट मी ओपन द ऐप. के यहाँ पे फेवरेट्स क्लिक है. आई क्लिक ऑन म्यूजिक. म्यूजिक आप यहाँ पे देखोगे हाईलाइट हो गया है, नीचे म्यूजिक आ गया और एक टोस्ट भी रेज हो गया. फिर क्लिक ऑन प्लेस, प्रोफाइल, फेवरेट्स. सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. आई गेस हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है. यहाँ पे एक मिस्टेक थी जो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स किया था. तो उसके चलते क्या हो रहा था कि आपने मोबाइल स्क्रीन पे देखा होगा कि टोस्ट तो रेज हो रहा था बट जो आइकन के कलर है वो चेंज नहीं हो रहे थे. बेसिकली आइकन्स हाईलाइट नहीं हो रहे थे. सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू करें. तो यार आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.